राजस्थान प्रदेश की आबकारी नीति के विरोध में शराब व्यवसायियों द्वारा पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में धौलपुर आबकारी ठेकेदारों का प्रतिनिधिमंडल अपनी 11 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लेकर के राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा के निवास पर पहुंचा है। विधायक से उसने मुलाकात कर और ज्ञापन भी सौंपा है। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने आबकारी ठेकेदारों को उनके 11 सूत्रीय मांग पत्र पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन तो दिया ही, साथ ही विधायक को सौंपे गए ज्ञापन में शराब ठेकेदारों ने बताया कि उनकी प्रथम तिमाही कोरोना महामारी व आर्थिक मंदी के सरकार की गलत आबकारी नीति की वजह से खराब हो चुकी है। सभी ठेकेदार 6 महीनों से बर्बादी के कगार पर खड़े हैं। बिक्री से अधिक गारंटी होने के कारण सभी के गोदाम माल से भरे हुए हैं। सरकार के द्वारा संपत्ति की तरह नीलामी लगा करके शराब बेचने की मात्रा तो बढ़ा दी गई, परंतु साथ ही साथ शराब कंपनियों व उच्च अधिकारियों के द्वारा मिली भगत कर तरह तरह के राइडर लगाए जा रहे हैं, जो शराब ग्राहक नहीं पीता है उसे बेचने के लिए पाबंद कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में राजस्थान के ठेकेदार दुकान चलाने में असमर्थ हैं, तो वहीं प्रदेश भर में जयपुर पहुंचे ठेकेदारों ने कहा कि यदि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हमारे पास शराब ठेकों का ताला लगाकर दुकान सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। साथ ही दुकान सरेंडर कर रहे हमें बकाया न्यूड्यूज भी प्रमाण पत्र दिया जाए। मांग तो उनकी ये है कि जो RML ये लोग ले रहे हैं उस पे राइडर्स लगा रखे हैं, उसको मिनिमम इनको 50% उठानी पड़ रही है, उससे इनके लॉसेज हो रहे हैं बिकॉज दोज आर नॉट गुड सेलिंग पॉइंट्स फॉर देम। बेच नहीं पा रहे, जब आप बेचोगे नहीं तो उनको डिस्काउंट में बेचनी पड़ रही, और जो डिस्काउंट में बेच रहे हैं उससे इनको नुकसान हो रहा है। तो ये चाहते हैं सरकार उसमें जो राइडर्स लगे हुए हैं वो ख़त्म कर दिए जाए, और उस पर ये नहीं हो, फिक्स नहीं हो कि इनको 50% ही बेचना पड़े। ये लोग चाहते हैं कि उसको हम 20% के करीब हम बेच सकें, जिससे सरकार का भी काम चल सके और इनका भी काम। सरकार को एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, नहीं तो ये सब लॉसेस के धंधे हो जाएंगे, अगले साल से आप पास लोग बाग ही नहीं आएंगे। तो सरकार को भी एक ऐसा रवैया अपनाना पड़ेगा कि भाई जिससे इनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो और सरकार की रेवेन्यू भी नहीं जाए। तो एक बीच का रास्ता निकाल के मेरे ख्याल से सरकार को ये करना चाहिए। इनने मेरे को आज दिया है, ज्ञापन दिया है, मैं मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में चिट्ठी लिखूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि ये ज़मीनी प्रॉब्लम आ रही है जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि इन लोगों की जो दुख दर्द हैं ठेकेदारों के वो ख़त्म हो सके।